सुइगवाड़ी से निकल रहे हैं आप, आपको देंगे अपडेट प्रेम नगर तक। काफी ब्यूटीफुल एरिया है ये, यहाँ से आगे काफी ब्यूटीफुल एरिया है, राइट साइड वाला काफी ब्यूटीफुल है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा कम है, बीच में चनाब है, राइट साइड वाला काफी एरिया लगा दिया के इस राइट साइड वाला। तो ये देखिए काफी ब्यूटीफुल जगह है, काफी पॉपुलेशन है यहाँ पे ऊपर। ये कौन सी जगह है ऊपर? बेला, वो सामने देख सकते हैं बेला, काफी पॉपुलेशन है और काफी जगह ब्यूटीफुल है, काफी बढ़िया लगी जगह। निकल रहे हैं हम आगे, अब मॉर्निंग का टाइम है, धूप अभी निकली नहीं है, निकली है बट यहाँ पे अभी लग नहीं रही है क्योंकि बीच में आ जाते हैं पहाड़, पहाड़ों की वजह से धूप आती है यहाँ पे लेट और जल्दी चली जाती है, विंटर्स में काफी प्रॉब्लम रहती है, धूप काफी कम रखती है जो डाउन वाले एरियाज हैं, ऊपर वाले एरियाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट डाउन वाले एरियाज में धूप लगती है कम और उसकी वजह से हो जाती है ठंड ज्यादा। निकल रहे हैं हम आगे, अब यहाँ पे भी डेंजरस देख सकते हैं, राइट साइड में कभी भी नीचे आ सकते हैं पत्थर, यहाँ पे ज्यादातर वो दरिया वाले पत्थर लग रहे हैं, मुझे लगता है पहले टाइम में काफी पानी था यहाँ पे क्योंकि आप मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ इसमें रेत जैसी लग रही है और दरिया वाले पत्थर हैं गोल गोल, तो इसमें लग रहा है कि पहले काफी पानी था, चनाब का लेवल शायद काफी हाई था, चनाब यहाँ से बहता था है ना, तो तभी यहाँ पे है रेत, काफी ज्यादा रेत सैंड और पत्थर भी हैं वो दरिया वाले, तो एक जमाने में मुझे लगता है चनाब का लेवल काफी हाई था तो दरिया काफी ऊपर से बहता था, तो देख ही सकते हैं आप। बेला में एक नया पेट्रोल पंप भी खुल रहा है तो वो भी आप दिखाएंगे आपको, तो काफी बढ़िया बात है, काफी सारे पेट्रोल पंप खुल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूरत काफी थी क्योंकि डोडा और थाटे के बीच में कोई पेट्रोल पंप था नहीं, तो एक आगे भी खुलना चाहिए, एक आगे भी खुलना चाहिए पेट्रोल पंप मेरे हिसाब से थाटे के नजदीक, क्योंकि फिर भी थाटे से कम ये 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे खुला है नया पेट्रोल पंप, मैं अभी दिखाता हूँ आपको व्यू अगर दिखेगा, ये देखें यहाँ पे इस साइड पेट्रोल पंप खुल रहा है नया राइट साइड में बेला में, तो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पे हो चुका है क्लियरेंस का काम, काफी ज्यादा यहाँ पे वो था तो यहाँ पे भी हो चुका है क्लियरेंस पूरी, यहाँ पे पहले कंडीशन काफी बैड थी रोड की तो अब तो काफी बढ़िया हो चुकी है, तो देखिए देख सकते हैं आप, तो इसके ऊपर ये देखते हैं पहला पहुंचे हम कराड़ा पुलिस पोस्ट कराड़ा, तो छोटा सा ब्रिज है, इस ब्रिज को भी वाइडनिंग होगी शायद, क्या होगा ब्रिज काफी छोटा है तो इस ब्रिज का क्या होगा, मुझे लगता है एक और ब्रिज बनाया जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये पहुंचे हम करवाड़ा बेला, यहाँ से बेला के लिए रास्ता जाता है ऊपर के लिए, तो यहाँ पे हमारे जो है शरद भाई को ड्रॉप किया, अब निकल रहे हैं हम आगे, यहाँ पे सिंगल रोड तो हॉर्न बजा लेते हैं, कोई गाड़ी आगे से नहीं आ जाए, मुझे करना पड़ेगी बैक, तो फिलहाल तो है नहीं कोई गाड़ी, यहाँ भी क्लियरेंस का काम चल रहा है, जल्दी से क्लियर किया जाएगा, मटेरियल तो होगा नहीं जाम यहाँ पे, तो अब प्रेम नगर आने वाला है, नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है प्रेम नगर, डोडा में पड़ती है जगह वो भी, तो यार काफी स्लिप है यहाँ पे, काफी स्लो चलना पड़ता है, मिट्टी में काफी स्लिप हो जाती है गाड़ी, तो मैं देख रहा हूँ जैसे जब मैंने ब्रेक पुश की
होता है वहां पे। तो ये है सिंगल रोड यहाँ पे, तो हम निकल चुके हैं आगे। तो दस्त काफी हो जाता है, शीशे रखना है मैंने पास सारे। सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें।
गाइस अभी हम हैं प्रेम नगर के बाजार में। तो ये है प्रेम नगर, फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रेम नगर।